Hi guys, welcome back to my English channel, The Roots English. My name is Pandey. Welcome करता हूँ आप सबों का. आज का वीडियो बड़ा ही पावरफुल वीडियो है. बच्चों ने कमेंट्स किया और कहा कि सर टेंस पे कोई वीडियो डालिए. तो मैंने टेंस पर आज एक बड़ा ही बेटर टाइप का वीडियो डालने जा रहा हूँ. मैं बताने जा रहा हूँ उसमें टेंस का बहुत ही बेटर टाइप का कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ. अगर आपको टेंस समझना है तब इस वीडियो पर बने रहिए. अगर आपको टेंस नहीं समझना है, टेंस आपको अगर समझ में नहीं आता है तब इस वीडियो पर बने रहिए. अगर आपको टेंस नहीं समझना है तो अभी से क्विट कर जाइए, वरना अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा देखेंगे, ताकि बड़ा ही मेहनत के बाद, बड़े ही मशक्कत के बाद मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है और मैं वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूं. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप सभी जानते ही होंगे कि टेंस तीन प्रकार का होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. टेंस टोटली एंड कंप्लीटली तीन काइंड्स होते हैं टेंस के, तीन प्रकार होते हैं टेंस के. प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं. तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भाग और पास्ट टेंस के चारों भाग और फ्यूचर टेंस के चारों भाग को पहचानने में बहुत डिफिकल्टी आती है कि आखिर कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है और प्रेजेंट टेंस में भी लिखा गया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में कौन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन है. यह पहचानने में हम लोगों को बड़ा समस्या होता है और इसी समस्या को मैं दूर करने जा रहा हूं. देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग हुए और उसके सबसे प्रथम भाग का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इसे प्यार से या इसे इसका दूसरा नाम कहिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है. अगर आपको पहचानना है कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन है, तो इसको पहचानने के लिए अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश की दुनिया के किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, डू या डज या वर्ब का पहला रूप या और या वर्ब का पांचवा रूप लगा रहे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राइट किया गया है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे एक एग्जांपल यहां पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जैसे डू यू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाते हो. यहां पर डू लग गया ना, जैसे डू लग गया डायरेक्ट आप आंख मूंद करके बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आ रहा समझ में? आगे बढ़ते, मैं आपसे बात करूं, आई एम टॉकिंग टू यू. अगला पॉइंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आखिर इसको कैसे पहचानते हैं हम. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी पहचानने का बड़ा बेजोड़ का मेथड है. अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम और वर्ब का चौथा रूप लगा साथ में आए तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर उसमें हैज या हैव और प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा है किसी सेंटेंस में तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहीं पर इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, आई हैव सीन द ताजमहल. I have seen the Taj Mahal. मैं ताजमहल देख चुका हूं. यहां पर आई के साथ हैव आया और हैव के ठीक बाद वर्ब का कौन सा रूप आया है, तीसरा रूप आया है मैं ताजमहल देख चुका हूं, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया. अगला पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी पहचानने के लिए बड़ा सिंपल पॉइंट है, हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब का चौथा रूप लगा रहेगा उसमें और फॉर सिंस इसमें जरूर ही जरूर लगा रहेगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा. आप इसको समझ गए? चलिए छोड़िएगा मत, वीडियो को क्यूट मत कीजिएगा. जब तक आप समझ नहीं जाइए तब तक वीडियो को क्यूट मत कीजिए और इस पर सेंटेंस बनाइए, अपने से सेंटेंस बनाइए. अगला पॉइंट है पास्ट टेंस. अब मैं पास्ट टेंस को डील करने जा रहा हूं. पास्ट टेंस में सबसे पहले हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहां पर लिखा गया है तो कैसे पहचाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए अगर उसमें डिड लगा रहा है किसी सेंटेंस में या उसमें वर्ब का कौन सा रूप लगा रहा है, दूसरा रूप लगा रहा है, आप डायरेक्टली समझ जाइए कि ये कौन टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे कि यू हेटेड मी, You hated me. तुमने मुझसे नफरत किया. यहां पर यू है और यू के बाद वर्ब का कौन सा रूप है, दूसरा रूप है hated और यहां पर मी है, यानी ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
अगला पॉइंट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने। ये बीबीडी बिल्कुल सिंपल है, वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना सिंपल, और बड़े ही मंथन के बाद मैंने इस कंसेप्ट को यहां पर प्रस्तुत किया है, और बड़े ही मंथन के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं बाबू। ध्यान दीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाना हो तो वाज या वर और वर्ब का चौथा रूप किसी भी दुनिया के किसी तमाम सेंटेंस में लिखे हुआ मिल जाए तो आप समझिए कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, एक ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आई वाज ईटिंग अ मैंगो, I was eating a mango. मैं एक आम खा रहा था। यहाँ पर was या were इन दोनों के बदले में was आ गया और verb के चौथे रूप के तौर पर क्या आ गया, यहाँ पर eating आ गया। That means this sentence is in past continuous tense. Past continuous tense को past progressive tense, past imperfect tense के नाम से भी जाना जाता है। अगला point है past perfect tense को कैसे पहचाने। बड़ा simple point है, past प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव बी थ्री था तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और प्लस बी थ्री हो गया, यानी हैज और हैव का जो पास्ट रूप होता है वो क्या होता है, हैड होता है, और यहां पर वर्ब का तीसरा रूप लग जाएगा तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आराम से, पास्ट परफेक्ट टेंस को भी आराम से पहचान लेंगे। अगला पॉइंट है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचाने, तो वही सेम सिचुएशन, यहां पर हैज या हैव बीन वर्ब का चौथा रूप, फॉर या सिंस लगा हुआ है तो सेम सिचुएशन में यहां पर सिर्फ हैड लग जाएगा, बीन वर्ब का चौथा रूप, फॉर या सिंस जब लगा रहेगा तो हम समझेंगे कौन टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला पॉइंट हमारा है, हमारा अगला पॉइंट क्या है, फ्यूचर टेंस को पहचानना। फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाने, तो फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए ये सभी कंसेप्ट जितना मैं आपको बता रहा हूं ये आपको मदद करेगा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप वर्ब्स सॉल्व करने जाएंगे तो डायरेक्ट एक सेकंड में नरेशन बनाने जाएंगे, आप डायरेक्ट एक सेकंड में पहचान जाएंगे कि आखिर एक कौन सा टेंस है, और आपसे आराम से बन जाएगा वो सवाल, आराम से बन जाएगा, आप आराम से उसे इजिली डील कर पाएंगे। अगला पॉइंट है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, तो इसको पहचानना होगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें विल या शैल अगर किसी सेंटेंस में लिखे हुए मिल जाए और वर्ब का पहला रूप लिखे हुए मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो वही विल या शैल और प्लस में क्या मिले, उस सेंटेंस में क्या लगा हुआ मिले तो बी और वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप, तो आप समझिए कि कौन टेंस है, तो इट इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान के विल या शैल हैव प्लस वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप रहेगा तो ये कौन टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए विल या शैल हैव बीन वर्ब का चौथा रूप, फॉर या फ्रॉम अगर लगा रहेगा, यहां पर देखिएगा फॉर या सिंस, और यहां पर देखिएगा फॉर या सिंस, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखिएगा फॉर और क्या लगा रहता है, फ्रॉम लगा रहता है, सिंस के जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये रहा आपको टेंस की पहचान, आप इस पर सेंटेंस लिखिए। चलिए एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, चलिए मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, बताइए किस टेंस में है, मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं रैंडमली, ऐसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, बताइए किस टेंस में है। जैसे ही विल हैव टेकन टी, He will have taken tea. वह चाय पी चुका होगा, वह चाय पी चुका होगा, किस टेंस में है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसको पहचानना है तो डायरेक्ट यहां पर आइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल या शैल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप, यानी यहां पर विल या तो विल तो लग गया, शैल नहीं लगेगा तो विल लग गया इसके साथ, और हैव आ गया और इसके साथ वर्ब का कौन सा रूप है, तीसरा रूप आ गया, ये वी थ्री है, विल शैल के बदले में विल लग गया, हैज हैव के यहां पर तो सिर्फ हैव ही आता है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर जरूर करें, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बहुत सारे भी वीडियोस बाकी हैं जो मैं देने वाला हूं, इतना देर तक मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।